Hey all you awesome new blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, before I start today's video, I would like to thank each and every one of you for always supporting me, showing so much of love, respect, which honestly I did not expect, for always encouraging me, because you know there have been times jab mujhe lagta tha ki you know main videos kyun bana rahi hu. Why I'm even doing this, you know? क्योंकि as compared to other creators, इतने followers हैं नहीं, इतने subscribers हैं नहीं. But मैं सोची थी कि यार चलो ठीक है बनाओ बनाओ, पर कभी कभार ऐसा लगता था कि यार नहीं बनाना, क्यों बनाना, कौन देखेगा. But तभी you know, and I'm not kidding you guys, तभी किसी का message आ जाएगा या तो Instagram पे या किसी का comment आ जाएगा मेरी किसी video पे. And you know, you guys are you know so lovely people. I just can't tell you. इतना प्यारा प्यारा आप लिखते हैं, ठीक है, जिसे पढ़ के मुझे एकदम से लगता है कि यार व्हेन आई आस्क माई सेल्फ व्हाई एम आई डूइंग दिस और व्हाई एम आई मेकिंग दीज वीडियोस, आई एम मेकिंग इट फॉर यू गाइस. एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज फाइनली फाइनली गाइस हमारे 20K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं इस चैनल पे. एंड आई कांट टेल यू मैं कितनी खुश हूँ और थोड़ी इमोशनल भी हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रही थी यार. मतलब 20K ऐसा लग रहा था कि कभी होंगे ही नहीं. काफ़ी टाइम से मतलब ऐसा लग गया था कि यू नो मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे थे ठीक स्पीड से, और अचानक से एक ब्रेक लग गया. यू नो इट वॉज लाइक 19,900 समथिंग. अब वो समथिंग कभी नीचे जाता था कभी ऊपर जाता था. एंड आई यूज़ टू वंडर व्हाट इज़ हैपनिंग विद माय यू नो यूट्यूब, मतलब क्या हो रहा है ये सब. बट आई यूज़ टू इग्नोर इट कि इट्स ओके, इट्स जस्ट अ नंबर. यू नो At the end of the day, I am making these videos to help you guys, you know. And ऊपर से मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो दैट इज रीजन आई एम डूइंग दिस. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार 20K हो जाए, 20K हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए. एंड फाइनली कल 20K हो गए, रात को 20K हुए मेरे चैनल पे एंड हमारे चैनल पे. एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक्साइटमेंट बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी रात हो चुकी है और मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती, पर मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच यू नो. एंड यू नो सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई, मुझे कैसे पता चला कि 20K हो गए मेरे चैनल पे, माय फादर कॉल्ड मी अप रात के 12 बजे, ही कॉल्ड मी अप. एंड मैंने फ़ोन उठाया, मैं थोड़ी नींद में थी, तो मैंने कहा हाँ पापा बोलो. बोलो नानू, नानू तेरे चैनल पे 20K हो चुके हैं. एंड एक दिन से नींद खुलने का क्या बोले हाँ तेरे चैनल पे 20K हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड आई वाज सो हैप्पी, मैंने कहा यार वाह पापा आई एम सो हैप्पी. बोले अब 1 लाख भी हो जाएंगे तेरे जल्दी सब्सक्राइबर्स. फिर मैंने कहा पापा मेरे प्यारे भोले पापा, 20K होने में तो इतना टाइम लगा, बट मैं कोशिश करूँगी, मैं मेहनत करती रहूँगी, अगर होंगे तो अच्छी बात है. एंड नेगेटिव मैं कुछ बोलूँगी नहीं अभी, but I'm very happy and I was so happy when my father called me up. And yeah, so thank you so much guys for just always being there for me, you know. I love you all, thank you. So ye ho gayi thodi si emotional wali baatein, ab kaam ki baat pe aate hain. So aaj ki video mein main kya karne wali hu, main kuch terms ke meaning aapko batane wali hu. Terms, terminology jo ki use hoti hai aviation mein, ठीक है, जो आप कैबिन क्रू को यूज़ करते हुए सुनते होंगे, मुझे शायद यूज़ करते हुए सुनते होंगे, बिकॉज आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू कैबिन क्रू एविएशन, राइट. एंड ऑल ऑफ टाइम्स आई डोंट रियलाइज, यू नो आई यूज रैंडमली यूज द वर्ड लाइक गैली, जम्प सीट, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई एम श्योर ऐसे बाउंस होते हुए जाता होगा आपके सर के ऊपर से, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो ऑफकोर्स यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, राइट. सो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि निरुपमा व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप कोई चीज़ किसी को बता रहे हो, अगर उसको किसी चीज़ का मतलब नहीं पता है तो उसे अच्छे से इन्जॉय या अंडरस्टैंड कैसे कर पाएगा, राइट. सो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ वीडियो वेयर आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ऑलराइट. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रैवल, सो यू कैन ऑल्सो यूज इट एंड क्रू विल बी लाइक ओह माय गॉड गॉड यू नो द मीनिंग. ऑल्सो जब आप क्रू बन जाएंगे या क्रू की ट्रेनिंग करने जाएंगे, सो यू ऑलरेडी यू विल बी अवेयर ऑफ थोड़ी सी चीज़ों के बारे में, right. So that's what I'm going to do in today's video. So if you guys are excited and if you want to know the words and the meaning, keep on watching. So aaj ka pehla word hai
जो कि मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, एंड दैट इज़ गैली। गैली इज़ द किचन ऑफ द एयरक्राफ्ट। वहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं जैसे कि ओवंस, माइक्रोवेव, बॉयलर्स, मील कार्ड्स, SMU स्टोरेज यूनिट, वाटर, ऑल द खाने पीने का सामान। सो एवरीथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर, जहाँ पे बेसिकली क्रू अपने मील्स को हीट करता है, स्टोर करता है, अपने कार्ट पे स्टैक करता है और वहीं से वो कार्ट निकलता है कैबिन के अंदर फॉर द सर्विस। सो दैट एरिया जहाँ पे प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग ये सब चीज़ें होती है, जहाँ पे क्रू की जंप सीट होती है, दैट एरिया इज़ गैली। इफ़ यू हैव एवर ट्रैवल्ड बाय एयर, सो यू विल सी व्हेन यू बोर्ड द एयरक्राफ्ट, तो वहीं पे गैली होती है, ठीक है। सो वहीं पे जहाँ से आप बोलते हो ना क्रू को कि अच्छा पानी दीजिए, तो वो आपको निकाल के देते हैं, दैट एरिया इज़ गैली। ऑलराइट, सो सेकेंड वर्ड है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था, एंड दैट इज़ जंप सीट। नाउ जंप सीट इज़ अ क्रू सीट, सो उस पे सिर्फ क्रू ही बैठता है, नोबडी एल्स। नाउ ग्राउंड स्टाफ बैठ सकता है उस पे, पायलट्स बैठ सकते हैं अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं एज अ पैसेंजर और उनको सीट्स नहीं मिली हैं बिकॉज ओवरबुक्ड है फ्लाइट एंड एक्स वाई जेड रीजंस, तब वो जंप सीट पे बैठ सकते हैं। अदरवाइज ओनली क्रू आर सपोज टू सिट बिकॉज इट्स अ क्रू सीट विच इज़ अ जंप सीट। राइट, थर्ड वर्ड इज़ सर्विस ट्रॉली और सर्विस कार्ड्स। सो अगर आपने देखा हो, अगेन अगर आपने ट्रैवल किया है, तो यू विल सी कि वहाँ पे जो क्रू है एक कार्ट सा, एक ट्रॉली सा लेके आता है जिसे वो पुश करते हैं और जिसमें से वो ट्रेज निकाल के देते हैं, और कोई भी चीज़ आपको, या यू नो इफ इट इज़ बाय ऑन बोर्ड, जहाँ पे पैसे दे के कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उस कार्ट से निकाल के आपको देते हैं। सो दैट कार्ट विच इज़ यूज फॉर सर्विस इज़ नोन एज सर्विस कार्ट, और वी कॉल इट सर्विस ट्रॉली। नेक्स्ट टर्म है IFE सिस्टम, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम। नाउ दिस फैसिलिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाई एवरी एयरलाइन, राइट, बिकॉज कुछ एयरलाइंस बाय ऑन बोर्ड होती हैं, कुछ एयरलाइन फुल सर्विस होती है। नाउ इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट, लेट मी नो, आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइज। सो लाइक आई टोल्ड यू दैट नॉट एवरी एयरलाइन प्रोवाइड दिस सर्विस। नाउ इसमें क्या होता है कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट, तो अगर आपने देखा होगा कि यू नो कभी कि लोग यू नो फ्लाइट पर बैठे होते हैं एंड दे आर वॉचिंग मूवी, एक स्क्रीन होती है उनके सीट के सामने, सो बेसिकली दूसरी सीट के बैक पे होती है वो स्क्रीन बनी होती है जहाँ पे यू कैन वॉच मूवीज़, एनी सीरीज, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, आप मैप देख सकते हो कि अच्छा पता नहीं कहाँ पहुँचे हम, कहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, ऑल्सो यू कैन प्ले गेम्स, सो ऑल ऑफ दैट इज़ अवेलेबल इन द IFE सिस्टम, सो यू कैन वॉच एंड पास योर टाइम। नाउ लाइक आई सेड, नॉट एवरी एयरलाइन प्रोवाइड दैट बिकॉज अगेन बाय ऑन बोर्ड का अलग चीज़ होता है एंड लो कॉस्ट का अलग होता है, तो लो कॉस्ट में जनरली बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सो अगेन ऑलमोस्ट सारी एयरलाइंस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट बाय ऑन बोर्ड एयरलाइंस, तो उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है। लाइक आई हैव ट्रैवल्ड विद एयर एशिया ऑन एन इंटरनेशनल सेक्टर, सो आपको बेसिकली जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो प्री बुक करके रखना पड़ेगा, तो आप ऑलरेडी जब वेन यू आर पेइंग द अमाउंट अपने टिकट का, तो आपको उसका भी मैंशन कर देना होगा, एडिशनल चार्ज यू हैव टू पे फॉर दैट, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू द that iPad and you can watch it. I remember when my husband and I, we were traveling on an international sector with the Air Asia. So I saw them, like the crew distributing iPads to people. And उन्होंने हमको नहीं दिया, तो मैंने कहा हमें क्यों नहीं दिया है। देन मैंने उसको क्रू को पूछा कि what is it, मतलब क्या भाई क्यों, किस लिए हमको क्यों नहीं दिया है तुमने। सो देन शी टोल्ड मी कि दैट यू हैव टू प्री बुक, बेसिकली यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द एंटरटेनमेंट। सो नाउ एंटरटेनमेंट सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट, लाइक फिक्स नहीं हो रखा है, बट दे विल डिस्ट्रीब्यूट यू द आईपैड सो दैट यू कैन वॉच वट एवर यू वॉन्ट वॉच। सो आई वॉज लाइक ओ आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो बड़े बोर हुए हम, क्योंकि 5-6 घंटे की फ्लाइट थी और फिर हॉल्ट था, फिर आगे भी ट्रैवल करना था, बट या दैट इज़ वॉट द केस इज। सो नॉट एवरी एयरलाइन विल प्रोवाइड यू द इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, but yes, most of them they provide it, especially the full service airlines. So yeah, fifth word hai lavatory. Now lavatory is basically the washroom in the aircraft that is known as lavatory. So yes, so we don't call it washroom in the aircraft, we call it lavatory or lav. Next word hai overhead bin or overhead compartment. Now when you travel, तो आपने देखा होगा कि आपके सीट के ऊपर एक कंपार्टमेंट सा बना होता है जहाँ पे आप अपना हैंड बैग रखते हो, राइट। सो दैट कंपार्टमेंट इज आपके सर के ऊपर होता है, सीट के ऊपर होता है, सो दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड ओवर हेड बिन और ओवर हेड कंपार्टमेंट विच इज यूज फॉर स्टोरेज। नेक्स्ट वर्ड इज कॉकपिट। इट इज अ पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट वेयर पायलट्स सिट, फ्रॉम वेयर दे ऑपरेट द फ्लाइट। सो ये जो एरिया होता है जनरली एयरक्राफ्ट के सबसे आगे होता है,
वहां पे अगर आप लाइक बेसिकली जो नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट होती है सबसे आगे वाला पोर्शन होता है वहां पे कॉकपिट होता है जहां पर बैठकर पायलट्स एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं एंड या उनके पास बहुत बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं. सो या दैट एरिया इज नोन एज कॉकपिट. कॉकपिट के अंदर जाना सिर्फ पायलट्स ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू को अलाउड है. तो कल को अगर आप फ्लाइट पे जाते हैं यू आर लाइक यू नो मुझे कॉकपिट देखना है, मुझे देखना है पायलट्स कहाँ बैठते हैं, हाउ डू दे फ्लाई द एयरक्राफ्ट, आई वॉन्ट टू सी, दैट इज़ नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. सो प्लीज़ टुमारो इफ द कैबिन क्रू सेज नो कि आप नहीं देख सकते, डोंट फील ओफेंडेड. फर्स्टली डोंट आस्क देम बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड. सो या नेक्स्ट वर्ड इज कैबिन. कैबिन इज द एरिया वेयर पैसेंजर्स सिट. सो कॉकपिट वो एरिया हो गया जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं, गैली एरिया वो हो गया जहाँ पे क्रू बैठता है, और जिस एरिया में पैसेंजर्स बैठते हैं दैट एरिया इज नोन एज कैबिन. ओके सो वहाँ पे जहाँ पे सीट्स होती हैं आपकी, जहाँ पे ओवरहेड बिन्स होती हैं, दैट एंटायर एरिया इज योर कैबिन. नेक्स्ट वर्ड इज आइल. एयरक्राफ्ट के अंदर आपने देखा होगा एक पतली सी गली सी होती है, लाइक अगर आपने एयरक्राफ्ट देखा है अंदर से उसका लेआउट देखा है, सो यू विल सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देर आर सीट्स, ऑन द राइट हैंड साइड देर आर सीट्स, और बीच में एक पतली सी गली होती है जहाँ से आप आ जा सकते हो, सीट्स के अंदर रो के अंदर जा सकते हो, बैठ सकते हो. जो कैबिन क्रू अपने जो सर्विस कार्ड्स होते हैं वो वहीं से लेके जाते हैं. सो बेसिकली यू कैन मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ आइल्स. सो दैट इज़ योर आइल, दैट गली इज़ नोन एज आइल. एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल यू नो सेइंग दैट ओ आई वॉन्ट एन आइल सीट. जनरली पैसेंजर्स आर लाइक यू नो मुझे या तो विंडो सीट चाहिए या तो आइल सीट चाहिए. सो आइल इज़ बेसिकली जहाँ से आपकी आइल है उसकी जो बाजू वाली सीट है दैट इज एन आइल सीट, विच पीपल प्रेफर बिकॉज देन इट इज़ वेरी इजी टू रोम अराउंड एंड यू नो यू डोंट हैव टू बॉदर एनी वन. सो दैट इज द रीजन वाई, एंड स्पेशली पीपल आर वेरी टॉल दे कैन स्ट्रेच देयर लेग्स, दैट इज द रीजन वाई दे आस्क फॉर एन आइल सीट. सो दैट इज एन आइल फॉर यू. नाउ देर आर एयरक्राफ्ट जहाँ पे दो आइल्स होती हैं. जो वाइड बॉडीज होती है लाइक बोइंग 777, बोइंग 787 और एयरबस 330, सो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे दो आइल्स होती हैं एज कम्पेयर टू नैरो बॉडी जो कि आपका बोइंग 737 हो गया या ATR हो गया. तो यहाँ पे ये छोटा एयरक्राफ्ट है तो उसमें सिंगल आइल होती है, जो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है उसमें दो आइल्स होती हैं. सो या दैट्स आइल फॉर यू. द टेंथ एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज टर्बुलेंस. टर्बुलेंस टर्बुलेंस टर्बुलेंस. सो व्हेन द एयरक्राफ्ट मूव्स इन अ थ्रेटनिंग मोशन वॉट यू एक्सपीरियंस इज टर्बुलेंस. सो टर्बुलेंस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, मौसम ख़राब है, थंडर स्टॉर्म है, हॉट विंड है, क्रॉस विंड्स हैं, किसी की भी रीज़न की वजह से एयरक्राफ्ट कैन मूव इन अ थ्रेटनिंग मोशन. सो जो एक बेसिकली डिस्टर्ब करता है एक एयरक्राफ्ट के मोशन को दैट इज़ योर टर्बुलेंस. एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू एयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स ऑफ एयर, सो यू कैन से दैट. एंड आपको उसी इंटेंसिटी का भी नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी ऑलवेज रिकमेंड एज अ कैबिन क्रू टू द पैसेंजर, प्लीज़ बी सीटेड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज़ द वॉशरूम, डोंट रूम अराउंड. सो वेन द कैबिन क्रू डिड टेल यू प्लीज़ लिसन टू देम बिकॉज डेफिनेशन में ही थ्रेट है. सो प्लीज़ बैठे अपनी सीट पर, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू कोऑपरेट एंड डू इट फॉर योर ओन सेफ्टी. डोंट डू इट बिकॉज अदर पर्सन इज टेलिंग यू, जस्ट यूज योर ओन ब्रेन्स एंड डू वॉट द कैबिन क्रू सेज. एंड या विद दैट आई एम गोइंग टू एंड टूडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई रियली होप यू फाइंड इट हेल्पफुल. इफ यू डू मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड नेक्स्ट टाइम आई अपलोड अ वीडियो. ऑल्सो राइट नाइस नाइस थिंग्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू रीड इट. And yeah, that's all for today. I shall see you in my next one. Take care.